अपने हैंड को अच्छे तरीके से क्लीन करके फिंगर की हेल्प से आपको बच्चों के मसूड़ों को हल्का हल्का प्रेस करना है। साथ ही साथ अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो बच्चों को आप शहद दे सकते हैं। हेलो मॉमी एंड डैडी, नमस्कार, मैं रिशु हाजिर हो गई हूँ एक और नया वीडियो आप सबके लिए लेकर। जैसे कि फ्रेंड्स, सभी पेरेंट्स के मन में एक सवाल होता है कि बच्चे के दांत आने कब से स्टार्ट होंगे और बच्चे के जब दांत आते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा। साथ ही साथ आपको पता है कि जब बच्चे के टीथ मतलब दांत आते हैं तो बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ फेस करनी पड़ती है, तो उस तकलीफ से हम बच्चे को कैसे बचा सकते हैं। साथ ही कितने महीने तक बच्चे के दांत आ जाने चाहिए, तब तक नहीं आते हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो ये वीडियो हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी बातें क्लियर होंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का वीडियो। आप भी अपना काम कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इसी तरीके की वीडियो डेली देखना चाहते हो। तो चलिए फिर जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज, जब भी बच्चों के दांत आने स्टार्ट होते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, साथ ही कुछ और भी लक्षण उनमें देखे जाते हैं। जैसे कि कोई भी जमीन पर चीज पड़ी होती है उसको सीधा बच्चे उठा के मुंह में डालना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही साथ जब बच्चों के दांत आने स्टार्ट होते हैं तो मसूड़े एकदम से लाल हो जाते हैं। आप अगर अपनी फिंगर से टच करके देखोगे तो बच्चों के मसूड़े काफी हार्ड आपको फील होंगे। साथ ही साथ बच्चों में फीवर और लूज मोशन की प्रॉब्लम भी होने लगती है। कुछ बच्चे तो खाना पीना तक छोड़ देते हैं, क्योंकि जब बच्चे फीड करते हैं या जब बच्चे कुछ खाते हैं तो उनको मसूड़ों में बहुत ज्यादा पेन होता है, इसलिए बच्चे खाने पीने से फिर दूर भागने लगते हैं और बहुत ज्यादा लार गिराने लगते हैं मुंह से। हमेशा आप देखोगे कि बच्चों के कपड़े ही गीले हैं। साथ ही साथ बच्चे रात में बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, बहुत कम सोते हैं। तो अगर इनमें से आपको कोई भी 3 साइन दिख रहे हैं तो इसका मतलब है आपके बच्चे के दांत आने स्टार्ट हो चुके हैं। नॉर्मली फ्रेंड्स, जो बच्चे के दांत आने का जो टाइम पीरियड होता है वो 3 मंथ से ही स्टार्ट हो जाता है। 3 मंथ से बच्चे के जो दांतों का प्रोसीजर है, दांत आने का मतलब, वो स्टार्ट होने लगता है। बच्चों के जो मसूड़े हैं वो दांत निकलने के लिए तैयार होने लगते हैं। लेकिन आपको बच्चे का जो फर्स्ट टीथ दिखेगा वो 6 to 8 मंथ के बीच ही दिखाई देगा। वो ऊपर का भी हो सकता है, नीचे का भी हो सकता है। जैसे कि नीचे के दांत जब आते हैं सबसे पहले तो अच्छा माना जाता है, लेकिन जब ऊपर के दांत बच्चे के आ जाते हैं तो जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ टोटके वगैरह किए जाते हैं, चीनी फेंक के जाई जाती है, मामा आते हैं चीनी फेंक कर जाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। आपके घर में भी क्या ऐसे कुछ रिवाज है जब ऊपर के दांत आते हैं बच्चे के, प्लीज कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली जैसे कि बच्चों का जो फर्स्ट टीथ होता है वो 6 to 8 मंथ में दिखने लगता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी के साथ सेम। कुछ बच्चों के जो दांत होते हैं वो 1 साल से दिखाई देते हैं, मतलब जब बच्चा 1 साल का कम्प्लीट हो जाता है तब बच्चे का पहला दांत दिखाई देता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ऐसा मेरे बेटे के साथ हुआ है कि मेरे बेटे के जो टीथ थे वो काफी ज्यादा लेट आए। मेरे बेटे का जब 1 ईयर बर्थडे हो गया उसके बाद उसका पहला टीथ दिखाई दिया। तो अगर आपके बच्चे के भी 6 to 8 मंथ तक दांत नहीं दिखाई देते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बच्चे के 1 ईयर बर्थडे तक वेट करना चाहिए। हो सकता है बच्चे के 1 साल के बाद दांत निकलने स्टार्ट हो, लेकिन साथ में ये भी कहा जाता है कि जब बच्चे के 1 साल के बाद दांत निकलने स्टार्ट होते हैं तो बच्चा कम परेशान करता है, बच्चे को बहुत कम तकलीफ फिर होती है। तो ये सही बात है, मेरे बच्चे के 1 साल में दांत निकले तो बच्चे को बहुत कम हुई तकलीफ, लेकिन मेरी बेटी के 6 मंथ से ही दांत निकलने स्टार्ट हो चुके थे। पहला टीथ उसका 6 to 7 मंथ के बीच दिखने लगा था तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा लूज मोशन हुए, बहुत सर्दी जुकाम खांसी की भी दिक्कत हुई। तो ये चीज़ें अलग अलग सभी बच्चों में हो सकती हैं, लेकिन आपको बच्चे के दांत निकलने का कम से कम 1 साल तक वेट करना चाहिए। अगर उसके बाद भी बच्चे के दांत आपको ना दिखाई दें तो फिर आपको अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। अब जैसे कि बच्चे के दांत जब निकलने स्टार्ट होते हैं, जैसे कि जो सिम्टम मैंने बताया वो दिखने स्टार्ट हो गए हैं और बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो ऐसे में आपको बच्चे को कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं देनी है, क्योंकि ये सभी बच्चों का एक नेचुरल प्रोसेस होता है। इसमें सभी बच्चों के साथ सेम होता है, सभी को पेन होता है थोड़ा बड़ा, तो उसमें मेडिसिन देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप कुछ घरेलू उपाय अपना कर बच्चे का जो टीथिंग प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, तो उसको आप थोड़ा सा रिलीफ दे सकते हो। कैसे? जैसे कि आप बच्चे को ठंडी चीजें दें, जैसे कि अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप उसको आइसक्रीम दे दीजिए, लेकिन अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो फिर आप उसको ठंडा दही खिलाइए, या फिर बच्चे को कोई भी आप ठंडी प्यूरी दे सकते हो, जैसे कि फ्रूट प्यूरी है, कोई भी एप्पल की प्यूरी है, मैंगो प्यूरी है, तो ठंडी करके बच्चे को दे दीजिए, जिससे कि बच्चे को काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा, उसके गम्स में बहुत रिलैक्स फील होगा। साथ ही साथ आप मसाज भी बच्चों के मसूड़ों में जरूर कीजिए। अपने हैंड को अच्छे तरीके से क्लीन करके फिंगर की
हेल्प से आपको बच्चों के मसूड़ों को हल्का हल्का प्रेस करना है। तो इससे बच्चों को काफी रिलीफ मिलेगा, बच्चों के मसूड़ों में काफी ज्यादा रिलैक्स फील होगा। साथ ही साथ अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो बच्चों को आप शहद दे सकते हैं, जैसे कि शहद से मसाज कर सकते हैं, जैसे कि फिंगर में शहद लेके और बच्चों के मसूड़ों पर आप लगा दीजिए, इससे बच्चे को काफी रिलीफ मिलता है। साथ ही साथ जैसे ही बच्चों का टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, आपको लग रहा है कि ये सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, तो आप बच्चे को एक कैल्शियम की मेडिसिन आती है जो कि होम्योपैथी होती है, वो देना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका नाम होता है कैल्केरिया फॉस्फोरिका। आप डॉक्टर की एडवाइस से भी ये मेडिसिन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ बच्चे को टीथर जरूर दें। 3 मंथ का बेबी हो जाता है तो बच्चे के लिए टीथर जरूर खरीदें आप। टीथर में इन्वेस्ट आपको जरूर करना चाहिए, लेकिन टीथर आपको फ्रिज में रख के अच्छे तरीके से ठंडे होने पर ही बच्चे को देना चाहिए, इससे बच्चे को काफी ज्यादा रिलैक्स फील होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, आपके बच्चे के लिए स्पेशली। तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें एंड कमेंट्स में जरूर शेयर करें कि इनमें से कौन सा सिम्टम आपके बच्चे में दिख रहा है, जिससे आपको पता चल सके कि बच्चे के दांत निकलने स्टार्ट हो गए हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।